गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस। वी हैव डिस्कस अबाउट द चैप्टर 8। दिस इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ द सेल, हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक इन 1665 वॉज इन्वेंटेड आर फाउंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इन अ डेड कॉर्क ऑफ अ ट्री। दिस स्ट्रक्चर वॉज ऑब्जर्व बाई हिज हैंडमेड माइक्रोस्कोप एंड ही फाउंड अ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स टू हूम दे हैव कॉल्ड एज अ सेल। आफ्टर दैट अबाउट 150 ईयर्स पासिस अवे लेटर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स बाय हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ऑन द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सीन सेल वेरिएशन इन नंबर शेप एंड साइज। सेल एज वी नो दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म शोज वेरिएशन इन नंबर शेप एंड साइज। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज इन टू टू कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, दोज ऑर्गेनिज्म्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। वैसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ये एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं, इसमें अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये तीनों चीज़ें आती हैं। ये एक कोशिकीय जीव होने के बावजूद ये वो सारे नेसेसरी फंक्शंस करते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स करते हैं। ठीक है, दे हैव डू मूवमेंट, दे हैव डू फीडिंग, दे हैव डू रेस्पिरेशन, दे हैव डू रिप्रोडक्शंस। ऑल द एक्टिविटी और ऑल द फंक्शंस दैट हैव बीन डन बाय द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इज ऑल्सो परफॉर्म बाय द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड कैटेगरी इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, दोज ऑर्गेनिज्म्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन आर मेनी सेल्स आर कॉल्ड एज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट प्लांट, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ऑल इन दिस फिगर वी कैन सी दैट द ट्री, द एलिफेंट, द डॉग एंड द ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक कोशिका से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मोर देन वन, इसीलिए हम बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं। हमारे बॉडी में हमारी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ है उसको हम यहाँ पे देखेंगे इस चार्ट के थ्रू। इन सच ऑर्गेनिज्म्स ग्रुप और ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। जब सेल का एक समूह किसी सिर्फ एक तरह के फंक्शन को परफॉर्म करे तो हम उसे टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन, और एक ही तरह के टिश्यू से मिलकर के एक ऑर्गन बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अलग अलग तरह के ऑर्गन्स एक जगह मिलकर के पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उससे एक ऑर्गेनिजम्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बींग की बॉडी है, तो हमारे सेल के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स पाई जा रही हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलर सेल्स होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवन सेल्स होती हैं, बोन सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की जो सेल्स हैं वो सारे सेल्स, अब जैसे हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हमारा जो हृदय है, हृदय में एक सेल था, एक सेल से कई सारे टिश्यूज बने मल्टी, अब वो जो सारे सारे टिश्यू हैं उनका फंक्शन एक ही है, दे हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू। उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट का काम होता है थ्रू आउट द लाइफ पंप करना, उससे एक ऑर्गन बना, हमारा हार्ट बना। ठीक है, ऑर्गन जो है वो कलेक्टिवली, और जैसे हार्ट जो है, हार्ट का काम होता है पंप करना, लेकिन जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर और भी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम है,
तो ये सारे सिस्टम एक साथ मिलके काम करते हैं और इससे एक ऑर्गेनिजम्स हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन शेप। सेल हैव मेनी शेप डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस दे परफॉर्म। सेल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका जो आकार है वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ ए अमीबा एंड WBC आर इररेगुलर इन शेप। जो अमीबा होता है या हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो इररेगुलर होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अमीबा के स्ट्रक्चर्स में जो हमें ये स्यूडोपोडिया दिखाई दे रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार बदलते रहते हैं, इनका एक कोई निश्चित आकार नहीं होता। दियर शेप इज़ नॉट फिक्स एंड कीप ऑन चेंजिंग। इनका आकार लगातार बदलता रहता है। इररेगुलर शेप ऑफ अमीबा हेल्प इट इन मूवमेंट एंड कैचिंग फूड। अमीबा का लगातार जो शेप बदलने का प्रोसेस है इसके वजह से वो मूवमेंट कर पाता है और अपने भोजन को पकड़ पाता है। विद हेल्प ऑफ प्रोजेक्शंस लाइक कॉल्ड स्यूडोपोडिया, उसके अंगुलियों के आकार के जो प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, छोटी छोटी उंगलियाँ के आकार के प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है, उसकी मदद से वो मूवमेंट करता है और अपने भोजन को पकड़ पाता है। मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप। मसल सेल्स जो होती हैं हमारे बॉडी की, ठीक है, ये स्पिंडल शेप होती हैं। वी कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन आर स्फेरिकल्स सो दे कैन फ्लो ईजली थ्रू ब्लड वेसल्स एंड एब्जॉर्ब मैक्सिमम ऑक्सीजन। हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो आकार होता है वो स्फेरिकल होता है, जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, और इस स्फेरिकल आकार के कारण ये आसानी से ब्लड के साथ ये फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, बह करके और पूरे शरीर में जा सकते हैं, और चपटे होने के कारण इसका एक आकार चपटा होता है जिसके कारण ये मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है। नर्व सेल आर इलोंगेटेड एंड ब्रांच सो दैट दे कैन कैरी मैसेजेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हम यहाँ पे नर्व सेल को देख सकते हैं, नर्व सेल्स कैसी दिखाई दे रही है, एक धागेनुमा संरचना है और इसमें आगे ढेर सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, छोटी छोटी शाखाएँ निकली हुई हैं, ठीक है, जिसके कारण ये अपने मैसेजेस को एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से ट्रांसफ़र कर पाते हैं। स्किन सेल आर फ्लैट इन शेप सो दैट दे हैव टू कवर टू लार्ज एरिया, ठीक है। स्किन सेल जो होती हैं इपिथीलियल सेल जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं जिससे वो ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें। स्पेशल शेप ऑफ ओवा एंड स्पर्म हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पर्म का जो शेप है वो देख सकते हैं, वो किस तरह से अपर जो शेप होता है वो एक एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अंडाकार संरचना है, और नीचे टेल होती है जो इसके मूवमेंट में इसको हेल्प करती है, ठीक है, ताकि ये तेज़ी से मूव कर सके, तेज़ी से मूव करते हुए ओवम सेल के पास ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। सो ऑल दीज आर अबाउट द शेप ऑफ अ सेल। हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोशिका होती है उसका जो आकार है वो अलग अलग आकार के हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, वो स्पिंडल शेप हो सकते हैं, वो फ्लैट सेल्स हो सकते हैं, वो स्फेरिकल हो सकते हैं, वो ब्रांच्ड हो सकते हैं। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप दैट वी हैव सीन इनसाइड द बॉडी। वेरिएशन इन साइज। जनरली सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। जनरली मुख्यतः जो कोशिका होती है वो बहुत ही छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, और माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम उसको देख पाते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, जैसे कि साइज ऑफ अ सेल वेरीज फ्रॉम अ माइक्रोमीटर टू अ फ्यू सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट सेल आर दोज ऑफ बैक्टीरिया हैविंग साइज ऑफ 0.1 to 0.5 micrometer। द लार्जेस्ट, सबसे छोटा आकार बैक्टीरिया का होता है जिसकी लंबाई 0.1 to 0.5 micrometer होती है, ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई देखी गई है यहाँ पे, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच साइज 170 mm into 130 mm। सबसे बड़ा एक सिंगल सेल का जो रूप हम देख सकते हैं वो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो सबसे बड़ा कोशिका का रूप हमें देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 170 मिलीमीटर
से लेकर के 130 मिलीमीटर हो सकती है। ह्यूमन नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल, और ह्यूमन हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका सेल्स होती हैं, वो सबसे लंबी सेल्स मानी जाती हैं, उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। सेल साइज हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल के आकार का किसी भी जीव के आकार से कोई लेना देना नहीं होता। एन एलिफेंट हैज़ मोर सेल्स एज कम्पेयर टू द रैट। सेल साइज हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोशिका के आकार का किसी भी जीव के